रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल के सेटिंग्स के बारे में। हम फाइल मेनू बारे के बाद बात कर रहे हैं एक्सेल ऑप्शंस के बारे में कि एक्सेल ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम कैसे रीसेट करें और रीसेट करने से क्या बेनिफिट है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सारे ऑप्शन नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस हम आपको सिखाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है। तो सबसे पहले जनरल पे आते हैं, कई सारे कैटेगरी हैं। कैटेगरी में सबसे पहले हमारा जनरल का कैटेगरी है। जनरल के कैटेगरी में आते हैं। जनरल के कैटेगरी में आने के बाद यहां दिख रहा होगा अनेबल लाइव प्रीव्यू, दिख रहा है अनेबल लाइव प्रीव्यू। अब इसके आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि हम लोग जब कोई यहां पे जैसे कोई के लिए हम किसी तरह का कलर अप्लाई करते हैं, राइट, जैसे हम यहां पे कोई कलर अप्लाई करते हैं तो उसका प्रीव्यू लाइव दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रीव्यू अगर आप किसी ने आपका डिसेबल कर दिया है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है किसी ने यहां से अनचेक कर दिया। दूसरा कि मेनू बार के किसी भी मेनू बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका स्क्रीन टिप्स आता है, तो कई बार क्या होता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय हो जाता है कि जो टिप्स आ रहे हैं मेनू बार के जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजें हो सकती है, कभी कभी हमें इंटरव्यू लेते समय या फिर कभी कभी स्क्रीन शॉट लेते समय मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मुझे इसको हटाना है। तो फाइल मेनू बार के अंदर आप जाइए एक्सेल ऑप्शंस में और एक्सेल ऑप्शन के अंदर आप यहां डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर सकते हैं। जब आप डोंट शो स्क्रीन टिप्स करेंगे तो इसको आप हटा सकते हैं, ओके। यस सर। इसके अलावा यहां पे हमारे पास आता है डिफॉल्ट फॉन्ट कि आप डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या रखें। उसके बाद आता है हमारे फॉन्ट की साइज क्या होना चाहिए और फॉन्ट का व्यू कि कौन सा व्यू होना चाहिए। उसके बाद यहां पे आता है शीट्स कि कितने नंबर ऑफ शीट्स है यहां पे, ठीक है सर। मतलब कि ये नंबर ऑफ शीट, मतलब कि जब आप नई फाइल क्रिएट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ शीट्स आएंगे। उसके बाद यहां आता है आपका यूजर नेम, मतलब कि जब फाइल पे कोई कर्सर रखेगा तो उसको क्या नाम शो होना चाहिए, ये हमारा यूजर नेम बताता है। यूजर नेम के बाद यहां भी आता है कि ऑफिस का बैकग्राउंड ये क्या होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए। तो ये आपका डार्क ग्रे करेंगे तो आपका डार्क ग्रे हो जाएगा। ये आपका यहां पे अगर मैं डार्क ग्रे की जगह पे मैं ब्लैक करूं तो ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं करता हूं व्हाइट तो व्हाइट हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर कलरफुल कलरफुल होगा। उसके अलावा यहां पे और कुछ खास नहीं है। हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला में यहां आपका आता है R1 C1 रेफरेंस स्टाइल। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहां पे अभी 1 2 3 दिख रहा है आपको, यहां आपको अभी 1 2 3 दिख रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये 1 2 3 ना दिखे। नहीं सॉरी मैं माफ भी गलत बोल गया, जो एबीसीडी की जगह पे आपको 1 2 3 करना है तो ये R1 C1 रेफरेंस स्टाइल करेंगे तो ये आपका 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 में इसका यूज आप कर सकते हैं। वापस आते हैं फाइल में ऑप्शन।
यहाँ पे हम फॉर्मूला इसको हम चेक कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए होता है यहाँ पे होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। अब मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई गलत लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ना मैं यहाँ गलत फॉर्मूला लगाते हैं, गलत चीजें लिखते हैं, मान लीजिए मैं सिंगल कोट दे के यही पे हमने अपना डेटा लिख लिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि साइड में यहां देखिए कॉर्नर में आपको यहां पे नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट का मैसेज आया होगा। ठीक है, आ रहा है सर? ये मैसेज कैसे हटेगा? ये जो मैसेज आ रहा है ये मैसेज हटेगा कैसे? तो इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आप यहां से कर दीजिए कन्वर्ट नंबर एज ए टेक्स्ट, तो कन्वर्ट नंबर एज ए टेक्स्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हट जाएगा, ये सिर्फ यहां पे हटेगा, कन्वर्ट जाएगा, इग्नोर करेंगे तो सिर्फ यहां पे इग्नोर होगा, फिर वापस नहीं लिखेंगे तो वापस आएगा। मैं चाहता हूं ऐसा दिखे नहीं ना, तो फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शन के अंदर फॉर्मूला में आप जाएंगे तो यहां अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज अब यहां से चेक करेंगे तो ठीक हो जाएगा सर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपके सिस्टम में होगा, बाकी और सिस्टम में नहीं होगा, सिर्फ इसी सिस्टम में होगा। डेटा में कोई खास नहीं है, प्रूफिंग प्रूफिंग में है। अब देखिए क्या एक एक्सेल वे में यहां पर डीएस लिख के स्पेस मारता हूं डेली सेल्स रिपोर्ट हो जाता है, एमएस लिख के मारता हूं स्पेस करता हूं तो मंथली सेल्स रिपोर्ट, डीएल लिखता हूं तो ड्यू डेली हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मैंने फाइल मेनू बार के एक्सेल ऑप्शन के प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट में हम इस तरह के सेटिंग बना रखे हैं यहां से, तो यहां कुछ भी लिखे वहां पर हो जाएगा। जैसे कि मैं एमजेड लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं एमजेड जो है यहां पे अलीबाग सिटी मुजफ्फरपुर हो जाए। ओके, अब मैं यहां पे एमजेड लिख के स्पेस मारूंगा, सॉरी कलर व्हाइट है इसे नहीं लिखा। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम होंगे, आपके पास कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम होंगे या कुछ ऐसे आपके पास ये होंगे क्या बोलते हैं सेंटेंस होंगे जिसको बार बार आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को यहां आप जो है प्रूफिंग में डाल सकते हैं। एक चीज और है, जैसे मैं यहां पे कोई ईमेल आईडी लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा kumar@iptindia.com। तो देखिए kumar@iptindia.com डाला तो क्या हो गया, इस तरह का ब्लू कलर में हो गया सर, ब्लू कलर में। तो मैं चाहता हूं कि ब्लू कलर में जो हुआ है तो ठीक है, लेकिन ऐसे ब्लू कलर में ना हो, ये आपका नॉर्मल हो, क्योंकि डेटा एंट्री में काफी दिक्कत होती है। तो एक्सेल ऑप्शन में ऐसा चीज आप कर सकते हैं, आप डेटा पे जाए सॉरी प्रूफिंग पे ऑटो करेक्ट ऑटो फॉर्मेट यहां पे वैल्यू टाइप ये दिख रहा है आपको, इंटरनेट पाथ एंड नेटवर्क, इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर दें आपका ठीक हो जाए।
ठीक है। एक्सेल ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं, प्रूफिंग से आगे सेम है। अब सेव एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो सेव करते समय दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम कि यहां डॉक्यूमेंट आ रहा है, आना सर डॉक्यूमेंट, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये माई डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन क्या है कि हम डिफॉल्ट हमेशा माई डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव नहीं करते, हम फाइल को जो है सेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, डिफरेंट लोकेशन में आके कोई एक अपना होता है लोकेशन, उसमें सेव करते हैं, डी ड्राइव पी ड्राइव। तो यहां पे एक और प्रॉब्लम आता है, एक सेकंड रुकिए, मेरा माउस में प्रॉब्लम हो गई। तो यहां पे एक प्रॉब्लम यहां पर कि जो सेव टाइप है वो डिफॉल्ट वर्कबुक होता है, लेकिन जो माइक्रो प्रोग्राम होती है वो वर्कबुक में सेव नहीं होता, वो सेव होता है हमारा किसमें, एक्सेल माइक्रो वर्कबुक में, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। जैसे मैं हमेशा बार बार जो फाइलें बनाता हूँ मोस्टली फाइलों में माइक्रो यूज करता हूँ, तो हमेशा मुझे इसको डर लगा रहता है कि मैं गलती से मैं एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करूँ। जो डिफॉल्ट सेटिंग है आप फाइल मेनूबार में कर सकते हैं, आप ऑप्शन पे आए, उसके बाद आप चले जाए यहाँ सेव पे, सेव के अंदर यहाँ पे आपके सामने डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है कि आपका वो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपके पास जो है दिख रहा है डिफॉल्ट पाथ, यहाँ आप अपना डिफॉल्ट पाथ दे सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, वो पाथ यहाँ दे सकते हैं, ठीक है सर। तो ये चीज यहां से सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मिलिंद जी और मनेश जी, मैन जी? यस सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में आते हैं, एडवांस में छोटे मोटे प्रॉब्लम है, जैसे कर्सर मारने पे एंड कर्सर जो है डाउन जाता है, डाउन की जगह लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ड्रैग ना हो तो यहाँ से ड्रैगिंग पॉइंट हटा सकते हैं, तो चीज छोटी मोटी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसको हटाना चाहते हैं आप, फॉर्मूला बार को हटाना चाहते हैं यहाँ से आप डिस्प्ले में जाके, ये चीज चेंज कर। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके कारण मैंने आपको एक सौ ऑप्शन बताया है वो है एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने एक्सेल में जैन लिखते हैं, जैन लिखने के बाद इसी के अंदर ड्रैग करते हैं तो आपका जैन पर मार्च आ जाता है, ठीक है। ऐसे मैं यहां पे अगर संडे लिखता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो संडे मंडे आ जाता है, ऐसे में यहां पे पूजा लिखूं नीचे तक ड्रैग करो, यहां पे पूजा मोहन कविता इंदर रवि आ रहा है पर आपके सिस्टम नहीं आया क्योंकि मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट मैंने कहां से बनाई है,
तो एक्सेल ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जाइए, एडवांस में जाइए, सबसे नीचे जाइए, किस पे, एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट। यहां पे अपना लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लिस्ट में जाकर, जैसे मैंने यहां पे लिस्ट क्रिएट कर दिया, तो न्यू लिस्ट पे जाइए, क्रिएट कर लीजिए, या ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहां से सेलेक्ट करके इस तरह से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके किसी भी फाइल के अंदर जाएंगे, आप कोई भी, मैंने यहां पे एक्सेल सेलेक्ट कर लिया और जैसे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा तो बाकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो आपके ऑफिस में प्रोडक्ट लिस्ट, आपके सिटी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, सिटी लिस्ट हो गया, क्लाइंट लिस्ट हो गया, ऐसे कोई लिस्ट जिसको बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे लिस्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा सर, बात करते हैं मेनूज बार की। आप देख रहे हैं मेरे पास एक आईएमपी नाम का मेनू, सर एक बार रिकॉर्डिंग में देखूंगा तो यस सर। हाँ बोलिए सर। यस सर। हाँ सर आ रही है मेरे को, तो मुझे भी आ रही है सर।
सॉरी सर, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक आवाज बंद हो गई थी मुझे। नहीं सर, मुझे हम लोग तो यहाँ भी, हाँ यहाँ भी जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शंस को ऐड सकते हैं, मतलब कि अपने मेनू बार को इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा एक बार मैंने इसका काम, इसका यूज भी किया था, जैसे आप ऑफिस में ही देख लीजिए, आप आपके पास जितने भी काम होते हैं उसके लिए हमारे पास 15-20 या 30 ऐसे ऑप्शन है जो यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 300 का 300 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें एक ही मेनू बार में इकट्ठा नहीं मिलता है। पिवट लगाना है तो इंसर्ट में मिलेगा, डेटाबुलेशन लगाना है और डेटा में मिलेगा, तो आप अपने लिए एक नया मेनू बार, यहाँ देखिए न्यू टैब दिख रहा है ना, न्यू टैब पे क्लिक करके एक नया मेनू बार बनाए और उसमें आप अपने हिसाब से सारे इम्पोर्टेंट फीचर ऐड कर सकते हैं, आपको अलग अलग मेनू बार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ओके, यस सर। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो सेव है, सेव है, अंडो है, रीडो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मैंने खुद ऐड किए हैं बॉर्डर के, और यहाँ पे हमने कैलकुलेटर का ऐड किया हुआ है। ये चीजें क्विक एक्सेस बार से होता है, इसको ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि इसमें कैलकुलेटर ओपन करना है या बॉर्डर लगाना है तो मुझे होम मेनू बार में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बॉर्डर लगा दूंगा, पहली चीज। दूसरा इसके शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे अल्ट प्रेस किया, अब ऊपर में देखिए बॉर्डर के लिए 5 है और कैलकुलेटर के लिए 6 है, तो यहाँ पे 6 प्रेस करूँगा कैलकुलेटर खुल के आ गया। तो आगे चल के मैं अल्ट 6 का यूज एक्सेल में करूँगा कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सर? यस सर। यस सर। तो इसमें इसका यूज हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्विक एक्सेल बार के बाद हमारे पास जो अगला है वो है एड इन्स। अब एड इन्स क्या होता है जान लीजिए, जैसे कि आपने किसी से कुछ बनवाया, आपने बोला कि भाई एक्सेल में मुझे कुछ बना के दे दो, तो एक्सेल में अगर कोई कुछ बनाता है तो आपको जो है एडिंस के जरिए ऐड कर सकते हैं। आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे एडिंस होंगे पहले से बने, जो 4-5 आपको देता है, जैसे मेरा ए लुकअप का है, मैंने खुद के बनाए हुए हैं, तो आप ब्राउज करके उसको ऐड करेंगे। तो बने बनाए किसी से कोई टॉपिक, क्योंकि अगर मान लीजिए कि .NET में या किसी और वर्जन में, किसी और सॉफ्टवेयर में अगर एक्सेल के लिए कुछ बनाता है तो उसको आपको एडिंस के जरिए ऐड करना पड़ेगा। जब एडिंस के जरिए ऐड करेंगे तभी आपका यहाँ पे चीज़ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ट्रस्ट सेंटर होता है आपका सेटिंग के लिए, ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग वायरस वगैरह के लिए, पॉलिसी वगैरह जो उसके होते हैं कि क्या क्या पॉलिसी है, कि ट्रस्टेड पब्लिशर कौन से हैं, लोकेशन कौन सा है ट्रस्टेड, आपको लगता है कि ये लोकेशन गड़बड़ है तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्टेड एडिंस एक्टिवेक्स, मैक्रो सेटिंग अनेबल रखना है नहीं रखना है, तो इसके बारे में ऐसे डिटेल में मैं आगे क्लास में समझाऊंगा, फिलहाल उतना ही है। तो अब बताइए कि मेनू बार के अंदर में कोई प्रॉब्लम है? हेलो? नहीं सर। हमने एक बार देख लेते क्या क्या किया है, हमने आपको फाइल मेनू, पहले सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेक्शन मेथड कराया कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद फाइल मेनू बार के बारे में समझाया, राइट। अब जो है थोड़ा सा रेफरेंसिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि रेफरेंसिंग सिस्टम क्या है।
देखिए हर एक सेल का एड्रेस है एक्सेल में, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है, जैसे A1 है तो यहाँ पे A1 है, B1 है, C1 है, इस तरह से। तो एड्रेस क्यों एड्रेस दिया गया, ताकि कैलकुलेशन किया जाए। देखिए हम इक्वल प्रेस करके 25 प्लस 65 कर सकते हैं, रिजल्ट 90 आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 70 करूँगा मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट उस सेल लोकेशन से कनेक्टेड ही नहीं था। तो उस केस में हम इस सेल का लर्न देते हैं कि A1 प्लस B1, तो A1 प्लस B1 नहीं हुआ है, A1 की वैल्यू प्लस B1 की वैल्यू, एंटर मारने पे रिजल्ट आएगा। अभी क्या हो गया, लिंक हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे 75 करूँगा, एंटर प्रेस करते हैं, हाँ 100 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो A1 है इसका भी है कि अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे A1 कर दिया तो इसी सीट का A1 लेगा, मुझे किसी पर्टिकुलर शीट का A1 चाहिए तो इसकी इस बात के साथ उस पर्टिकुलर शीट का A1 जो भी लिंक देंगे वो लिंक होगा, सीट नेम होगा, और डिफरेंट फाइल है तो डिफरेंट फाइल का भी लोकेशन आएगा। तो अगर आप एक ही सीट के अंदर जाते हैं तो सिर्फ सेल का नेम कंसीडर करेगा, एक ही फाइल के अंदर सीट टू सीट जाते हैं तो सीट का सिर्फ सीट का नाम कंसीडर करेगा, लेकिन फाइल टू फाइल जाते हैं तो फाइल का नाम सीट का नाम डर रेंज होगा। दूसरा, इसमें जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी किसी तरह की कैलकुलेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो उसमें हमारा रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस A1, B1, C1, इसको रेफरेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉलम ए के अंदर में जितने भी वैल्यू है सब में प्लस 20 करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्लस 20 कर दिया, एक को किया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ या ड्रैग कर दूँ तो ऑटोमेटिकली जो A1 है और नीचे B2, C3, A4, A5 ऐसे इंक्रीज होते चला जाएगा। देखिए यहाँ, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना सर, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एक फायदा है, तो क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, अगर 10,000 रो है तो 10,000 रो में इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाना पड़ता, ये तो काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। तो यहाँ पे एक फीचर ये हुआ, साथ में एक नुकसान भी है कि मैं यहाँ A1 की वैल्यू पे 20 नहीं, मैं D1 पे जो वैल्यू डली है वो ऐड करना है। तो आपने कहा कि A1 प्लस D1, अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे A2 तो हुआ, A1 से A2 हुआ, तो D1 से D2 भी तो हो गया। अब लेकिन मेरी वैल्यू तो सिर्फ D1 पे फिक्स डली हुई है। तो ऐसे केसेस में हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना है, और मुझे तो हम क्या करेंगे, रो के आगे, देखिए किसी भी एड्रेस का करेक्टर जो होता है कॉलन होता है, नंबर न्यूमेरिक जो होता है, नंबर जो होता है और रो होता है, तो जिसके आगे आप लगाओगे वो फ्रीज होता है। तो मैंने नंबर का आगे लगा दिया तो नंबर फ्रीज हो गया, मतलब कि मैं टॉप टू बॉटम अगर ड्रैग या कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर हमारा सब में D1 फिक्स होगा। लेकिन जैसे इसको कॉपी करके वर्टिकली चलते, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो D1 था वो F1 हो गया। आप चाहते कि नहीं F1 नहीं हो, फिक्स हो, तो मुझे फिर इसके आगे भी डॉलर साइन लगाना होगा। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, अब देखिए ये आपका D1 आपका फिक्स है। तो रेफरेंसिंग सिस्टम में आपका ये डॉलर का कंसेप्ट है, लेकिन इसको बहुत डिटेल में हम आगे जब फॉर्मूलेज को हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। फिलहाल इसको समझ में आएंगे आप लोगों को, कल से हम आपके साथ होम मेनू बार के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।
सर एक एक मिनट, मेरे को थोड़ा सिलेबस बताएंगे आप क्या क्या कवर करने वाले पूरी क्लास सेशन में? सिलेबस के लिए आप जो है अब चले जाइए किस पे, अपने वेबसाइट पे। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, और यहाँ पे आ गया आपका डाउनलोड पीडीएफ एरा। अभी हम यहाँ पे इसमें है, हमने एक्सेल के लिमिटेशन पढ़ा, शॉर्टकट्स पढ़े, एक्सेल की सेटिंग पढ़ा, टेम्पलेट भी पढ़ा। अब कल से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, पेस्ट स्पेस, ठीक है? राइट सर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल एंड कैलकुलेशन विद पेस्ट स्पेशल, पिक्चर लिंक हो गया, पिक्चर लुकअप हो गया। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम फिर फॉर्मेटिंग वाले चैप्टर को चलेंगे, उसके चलेंगे करेंगे। तो ये मोर ऑन आपका जो कोर्स है ये लाइक हाँ इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं, मोर ऑन लाइक डिजाइनिंग पे लग रहा है लाइक। क्या बोल रहा है? The more on the course है ना, ये आपका थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कहते हैं beautification और इन चीजों पे ऊपर मतलब लाइक इसमें मेरे को कहीं वो नहीं दिख रहा है जहाँ पर अब फॉर्मूला और ये सब दिखना करने वाला। हाँ यार ना सर, ये चीज है, ये देखिए, ये डेटा हैंडलिंग है, पेस सेटिंग है एंड कैलकुलेशन। ये आपका 5 नंबर और 6 नंबर का जो चैप्टर है आपका फॉर्मूला का, ठीक है? इसमें पिवट डेट फाइल, पिवट आपका यहाँ डेटा हैंडलिंग में पिवट आएगा ना, ये देखिए डेटा हैंडलिंग एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है सर? ठीक है ना, इसके अंदर पिवट टेबल। अब सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। क्या देखिए, जो ऑप्शंस है, जो कंटेन होता है वो सेक्शन होता है, सेक्शन जो होता है वो कैटेगरी के हिसाब से होता है सर। अब पिवट टेबल का सेक्शन नहीं बना सकता सर, पिवट टेबल के साथ जो पिवट टेबल क्या है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, और डेटा एनालिसिस में सिर्फ पिवट टेबल ही तो नहीं आता ना, और भी चीजें आती है ना सर। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम।